दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा एक क्रेन है। जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारा एक दूसरा क्रेन है। तो इस क्रेन पे आप लोग साइड में देख पा रहे हैं, ये हमारा एनटी है। तो एनकरेज जो होता है, एनकरेज के साइड में इस तरीके से हमारा बफर लगा रहता है। ये हमारा क्या रबड़ का टाइप का होता है, और कोई कोई क्रेन पे आपको मेटल का देखने को मिलेगा। मेटल का अंदर हमारा स्प्रिंग रहेगा। ये जो रबड़ है, मतलब एलटी में हमारा जो लिमिट स्विच लगा रहता है, लिमिट स्विच पहले क्या कार्ट आउट हो जाता है। मतलब मान लीजिए हमारा लिमिट स्विच वो काम नहीं किया, तो उस टाइम पे क्रेन हमारा ज्यादा साइड में चला जाएगा। उसके लिए इसका साइड में जो हमारा रेल है, इसका साइड में हमारा एक स्टॉपर लगा रहता है। तो इस स्टॉपर में जाके ये वाला हमारा एलटी का जो बफर है, ये जाके धक्का मारेगा, तब जाके हमारा क्रेन को क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसके लिए इस तरीके से आप देखने का, क्रेन का दोनों तरफ मतलब उस साइड में भी है और इस साइड में इस तरीके से हमारा बफर लगा रहता है, जो कि हमारा क्रेन का सेफ्टी के लिए, मतलब क्रेन हमारा लास्ट में जाके जो हमारा लिमिट स्विच है वो काम नहीं करेगा, तो क्रेन को रुकना है। तो इस तरीके से हमारा इसके लिए हमारा बफर हो जाता है। तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा, जो हमारा क्रेन है, क्रेन का एलटी का लिमिट स्विच काम नहीं किया, तो उसका बाद हमारा मैकेनिकल पार्ट में क्या रहता है जो कि हमारा क्रेन को रुक सकता है। तो आपको बोलना पड़ेगा, उधर हमारा इस तरीके से बफर लगा रहता है जो कि हमारा क्रेन को रुक सकता है।